YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आप की बुक है ना आपने सिर्फ वो लिखना है। आगे सर नदीम नंबर लाजमी तौर पर लिखना है, ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस वीडियो में हम बेटा काइट बनाना सीखेंगे। काइट में कोई अपोजिट साइड इसकी पैरेलल नहीं होती, इसके पास एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के लेंथ में इक्वल होती हैं तो ये काइट शेप होती है। इसमें ये है कि जिस तरह ये उन्होंने दिया हुआ है कि DEF इसमें जो सबसे बड़ा डायगनल है, इसमें दो डायगनल होते हैं, एक ये जो अपोजिट साइड को मिला रहे होते हैं, ये इसमें डायगनल होता है, ये डायगनल होता है, इसमें ये छोटा डायगनल है, ये बड़ा है, लॉन्गर है, ये स्मॉलर है। इसमें जो लॉन्गर है वो 10 सेंटीमीटर है, ये वाला ये 10 सेंटीमीटर है, इसको डी और एफ का नाम देना है। अब इसमें जो छोटी साइड है ना वो है DE 4 सेंटीमीटर, कि किसी एक को आप ई का नाम दे दें, चाहे इसको ई का नाम दे दें, चाहे इसको ई का नाम दे दें, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है। इसी तरह एफ से ई की तरफ जो आ रही है साइड, ये 8 सेंटीमीटर है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो इसका हमने कहाँ से स्टार्ट करना होता है कि इसमें अगर डायगनल दिया हुआ है तो सबसे पहले हमने डायगनल की लेंथ ड्रा कर लेनी है, तो उसके बाद बाकी साइडें हम बाकी कंपस के साथ ही होगा सारा, तो उसके बाद कंपस के साथ ड्रा करेंगे। आइए देख, तो पहला जो डायगनल है ये 10 सेंटीमीटर ये ड्रा करते हैं, ये 0 और ये 10, इसका नाम इसको दिया हुआ उन्होंने बुक के अंदर ही डायगनल, बड़े डायगनल को DF, एक तरफ D और एक तरफ F, 10 सेंटीमीटर। अब D से E की तरफ, E आप चाहे ऊपर की तरफ करें चाहे नीचे की तरफ, वो 4 सेंटीमीटर की हमने एक आर्क ड्रा करनी है, D से ऊपर भी 4 सेंटीमीटर और एक D से नीचे की, ये D पॉइंट से नीचे भी 4 सेंटीमीटर की हमने आर्क ड्रा कर लेनी है। कंपस को स्केल के साथ हमने 4 सेंटीमीटर मापा इसको, अब डी पॉइंट के ऊपर आके नीडल पॉइंट एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ठीक हो गया। इसके बाद हमने ई एफ, एफ से ई की तरफ, ई आप जिस तरह मर्जी कर लें, 8 सेंटीमीटर की जो है ना कंपस खोल के हमने आर्क लगानी है, एक इस डायगनल के ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एफ से ऐसे। आप जिस पॉइंट को मर्जी आप ई का नाम दे दें, डी ई ई इसी को नाम दे देते हैं, ये ई हो गया, डी ई एफ और ये जी। अब ई को एफ से भी और ई को जी डी से भी मिलाते हैं, इसी तरह जी को भी डी से और जी को एफ से स्केल के साथ हम मिला देंगे। इस तरह ई को भी एफ के साथ मिला देते हैं, तो ये बेटा हमारा एक काइट बन चुका है डी ई एफ जी, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, और इसका डायगनल जो हमने स्टार्ट में ड्रा किया था वो 10 सेंटीमीटर है। वीडियो बेटा अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताया करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है।